हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के इसी स्मार्ट बाई माउस के बारे में, जो कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। पहले ही लिखा हुआ है तो चाइनीज पे नो गारंटी, और लेकिन दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टिकर चिपकाया हुआ है QC1, मतलब पता नहीं क्या होता है, तो लिखा हुआ है 2021 से 2022, और ये यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है कि मतलब पांचवा महीना में खरीदा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है USB इनसाइड। इसको ऐसे खोलना है फ्रेंड्स, ये ढक्कन ही है, मतलब ढक्कन है, और यहाँ पर आपको ये डोंगल मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर लैपटॉप में ऐसे लग जाता है। लैपटॉप मतलब आप कंप्यूटर किसी में भी लगा सकते हो, और यहाँ पर आपको एक बिग साइज की बैटरी देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स। ये एक बैटरी पर चलता है और बहुत ही अच्छा बैकअप देता है फ्रेंड्स। इसको लगाया करीबन 6 महीने हो गया, और मैं रोज अपने लैपटॉप को यूज करता हूँ, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक स्विच देखने को भी मिल जाता है, रुक जाइए एक मिनट में ढक्कन लगा कर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक स्विच देखने को मिल जाता है, यहाँ पर ये से ऑन ऑफ होता है फ्रेंड्स। अगर आपका PC ऑन है और आप चाहते हो कि मेरा माउस ऑफ हो जाए तो ये ऑफ हो जाता है, नहीं तो आपका ये OTG बाहर है तो फ्रेंड्स ऐसे अगर ये ऑन भी है तो ये ऑफ ही हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। अगर इसमें लगेगा तो ये चालू हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका बिल्ड क्वालिटी चाइनीज होने के बाद भी बहुत ही तगड़ा है। यहाँ पे नीचे आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक बिल्ड, मतलब बिल्ड क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा है, स्मूथ है एकदम, और ऊपर आपको एकदम ग्लॉसी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर ब्लैक कलर का सर्कल टाइप का मतलब देखने को मिल जाता है, और एक बटन मिल जाता है जिससे शायद स्पीड कम ज़्यादा होता होगा, और ये आपको स्क्रॉलर देखने को मिल जाता है फ्रेंड, जो कि इसके ऊपर ग्रिप बनाने के लिए आपको रबड़ का पैडिंग देखने को मिल जाता है, जो कि एक प्रीमियम फील देता है। आपको एप्पल वाला में भी नहीं मिलता है, मतलब एप्पल वाला तो उसका बात ही अलग है, ख़राब हो जाएगा तो प्रीमियम फील आएगा, क्योंकि पैसा लगा है, 10,000 का माउस या 10,000 का मोबाइल मिल जाता है इसको फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको रबर पैडिंग देखने को मिल जाती है। अच्छा फ्रेंड्स, ये आप खरीद सकते हो, और ये आपको मिल जाएगा करीब 150 से 200 रुपए के करीब, और फ्रेंड्स 200 के हिसाब से ये एकदम वर्थ लगता है, और ये आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है। इसमें आपको स्विच मतलब दिया हुआ है, लेकिन आप बिना स्विच के भी काम कर सकते हो, ये देख सकते हो, यह ऑफ करके मैंने ऐसे ऑन किया तो ये ऑन हुआ, और इसको ये कनेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। अगर ये इसको नहीं मिलेगा तो देखिएगा ऑफ हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स ये अपने आप ऑफ हो गया, और यहाँ पर आपको बटन देखने को मिल जाता है, लेफ्ट और राइट क्लिक आ जा रहा है, जब ये आपको सुनाई दे रहा होगा तो फ्रेंड्स ये अभी आपको ऐसे लगाना होगा, तो आप जैसे ही लगाओगे फ्रेंड्स, अभी हमारा PC ऑफ है इसलिए, नहीं तो देखिए अभी मतलब टिकते ही ऑन हो जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर रेड रेड जलने लगा, और यही है इसका सेंसर होता है फ्रेंड्स, यहाँ से लाइट आता है, और लाइट जैसे होता है तो आगे पीछे होता है, तो इसी से इसमें इसका कर्सर आगे पीछे करता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।